रोका, किसने नहीं रोका, तब दिन अच्छा जाने वाला है। अगर बोनी अच्छी होती है ना धंधे की तो दिन अच्छा जाता है। चलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मेरा आधा साम मैंने कुछ एक्सेसरीज मंगाई थी बाइक के लिए, आधा आ चुका है लेकिन आधा गलती से मुंबई के लोअर परेल में जा चुका है। तो मैं लोअर परेल जा रहा हूँ एक्सेसरीज लेने के लिए, और जैसे मैं लेके आऊँगा तो आपको बताऊँगा मैंने मंगाया क्या है। तो वीडियो में बने रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखना है वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे बाप चेकिंग देखो, इतने पुलिस, ऐसा लग रहा है कि चेंबूर के पूरे पुलिस यहाँ पे आ गए। तो अभी हम लोग आ गए यही कहीं पे है बिल्डिंग, आ गए देखते हैं। चलो यार संस्कृति बिल्डिंग लोअर परेल, हाँ संस्कृति महावीर के लिए। ओके आ गए हम लोग। चलो यार अपना सामान ले लेते हैं अभी। तो अभी टाइम कितना हो रहा है मैं देखता हूँ। मैं 3:36 को हम निकले थे लगभग, बराबर यार गूगल माता ने बराबर बताया हमें। संतोष हाँ जी, एक इनार चुका है, सैनिटाइज कर लो, बहुत जरूरी है। चलो बाहर जाके देखते हैं। तो बस दोस्तों ऐसी चीज के लिए मैं आया था इतना दूर, 12-15 किलोमीटर बाइक चला के। एक्चुअली क्या है ना, मेरे फ्रेंड ने, फ्रेंड को या भाई को कुछ योग्य ने आपको कहा, कुरियर वुरियर सब सीख गया था, एक सामान मेरे घर पे आ गया ठीक है, बराबर एक सामान यहाँ पे है। लेकिन इन्होंने मुझे बोला था सर एक या दो दिन में आपके घर पे भिजवा देते, जो भी हुआ गलती से हो गया, क्योंकि लॉकडाउन में अगर इन लोग भी इतना अच्छा सर्विस कर रहे हैं कुरियर का तो यार हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए ना, हर बार वो कंप्लेंट ऐसे चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो मैंने बोला यार मुझे ज़रूरत है, मैं खुद ही आ जाता हूँ, वैसे भी इतने दिन से घर से निकला नहीं हूँ मैं। चलो इसका मैं रास बता देता हूँ क्या, ये मेरे बाइक का रॉड है, तो मैं इसको लेकिन खोलूँगा मैं घर पर जाके, मैं आपको घर पर जाके बताऊँगा मैं। देखते हैं अभी भी चेकिंग उतना है या नहीं है। ओके अरे बाप रे, अभी जो लोग बीच में आके पकड़ रहे हैं, मेरा ये रॉड देख के रोकना दे मुझे। नहीं रोका, थैंक गॉड थैंक गॉड। ये देखो मैं खुश इसके लिए हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा डॉक्यूमेंट नहीं है कुछ भी नहीं है, सब है मेरे पास, लेकिन कुछ खुशी इस बात की हो रही है, मतलब सबको रोक रहे, मेरे को नहीं रोक रहे। ये पावर है देखा फोटो व्लॉगिंग का, ये पावर है कैमरे का। तो बस वही हम आ गए फिर से घर पे। तो मैं आपको बस एक फ्यू मिनट्स के अंदर, फ्यू सेकंड्स कह सकते हो आप, बताता हूँ मैं एक्सेसरीज हमने क्या परचेस की है। चलो हेलो दोस्तों, तो आगे मुझे एक लगभग आधा घंटा हो गया है, तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ मैंने लिया क्या। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने, फर्स्ट आप देख सकते हो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में जो रेड कलर का बॉक्स है वो है मोबाइल होल्डर विद चार्जर, और जो सेकंड आप देख रहे हो सेकंड में है हैजार्ड सिस्टम और एलईडी बल्ब्स। एलईडी बल्ब्स इसलिए क्योंकि और जो नॉर्मल अपने बल्ब होते हैं उसमें उड़ने के सिस्टम उड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस सिस्टम में, इसीलिए। तो हैजार्ड सिस्टम विद एलईडी लाइट्स विद स्विच। और जो थर्ड देख रहे हो जो मेरा काफ़ी फेवरेट है, मैं जूम करके आपको बताता हूँ मैं, ये ग्लव्स, आरी के ग्लव्स आपने देखे होंगे, सेम उसी तरीके के ये ग्लव्स है, सेम ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस इसमें लोगो ये सब नहीं कह सकते हो आप, लेकिन बाकी सब सेम है इसमें। और कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा और क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे आप देखते रहोगे ये रॉड, करेक्ट ये गार्ड वाली रॉड है, और गार्ड वाली रॉड नहीं, ये गार्ड है हमारा, लेकिन इसके अंदर से कुछ सेफ्टी चीज़ निकलती है अगर हम लॉन्ग राइड करते हैं,
या हम कहाँ पे दूर जा रहे हैं लॉन्ग राइड के लिए जा रहे हैं, तो आई थिंक ये वेपन होना छोटा सा, एक सेफ्टी पर्पस के लिए एक छोटा सा वेपन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में हमने रोड रेज बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत हमारे जो भाई लोग हैं राइडर्स उनके साथ हो चुका है। तो आप इसको स्विंग करके गोल गोल करके घुमाओगे तो उसमें से एक सेफ्टी, इसके अंदर से एक सेफ्टी रॉड निकलता है, जो मैं आपको आने वाले वीडियो में आगे बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए एक एक मैं अभी आपको सही तरीके से बताता हूँ मैं। तो दोस्तों स्टार्ट किया जाए मेरी बहुत फेवरेट चीज़ के साथ जो है ग्लव्स। ये कुछ समथिंग 800 रुपीज़ का पैर आता है, एक सेकेंड फोकस, परफेक्ट, ये पैर आता है। अब देखोगे काफ़ी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी आपको दिख रही होगी कैमरे, मुझे नहीं पता कैमरा जज कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। सेम ऐसे आरी के भी ग्लव्स आते हैं, कुछ 1200 या 1500 रुपये के होते हैं वो, मैं आपको पहन के बताता हूँ। मैं ये लेफ्ट हैंड वाला है ये, और ये यूनिवर्सल साइज़ है, ये किसी भी ईजिली हो जाएगा। ये हो गया, फिटिंग देख सकते हो, मैं आपको लॉक करके बताता हूँ अभी। परफेक्ट, सेफ्टी नकल सेफ्टी दिया हुआ है, यहाँ पे सेफ्टी दिया हुआ है, तो बहुत ज़बरदस्त है। और ये 3-4 कलर्स आते हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे देता हूँ, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे जाके। ये हो गया ग्लव्स, चलिए स्टार्ट करते सेकेंड। तो सेकेंड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ का अपने लाइफ में, अगर आप बाइकर हो तो हर किसी की बाइक में उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो एक मोबाइल होल्डर। अब ये मोबाइल होल्डर मैं आपको बताता हूँ, ये जो इसकी खासियत है आप देख लो एक बार, ये पूरा एल्यूमिनियम का है, मैं अभी ओपन करके आपको बताता हूँ। मैं ये ओपन किया ही हुआ था, अंदर कुछ फिटमेंट के सामान दिए हुए हैं। हाँ, ये टोटल एल्यूमिनियम है, ये टोटल एल्यूमिनियम है, मतलब अभी आपको कुछ अंदर फिट करना है तो आपको ये लूज़ करना पड़ेगा और आपको टाइट करना पड़ेगा, मतलब किसी भी साइज़ का फ़ोन इजीली अंदर फिट हो सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब मैं अपना आईफोन 11 यूज़ करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ आईफोन 11। थोड़ा लूज़ करना और, परफेक्ट, अभी आप देख सकते हो कुछ भी हो जाए ये हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। अगर आपकी बाइक भी, कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर बाइक भी स्लिप हो गई तो भी ये छोड़ेगा नहीं ये फ़ोन को, इतना मजबूत है ये, आप देख सकते हो। और ये विद चार्जर है, यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट भी दिया हुआ है, 5 वॉट का चार्जिंग दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये रहा, तो ये था सेकेंड चीज़। और ये लगभग आपको पड़ेगा, इसका प्राइसिंग और डिस्क्रिप्शन में सब मैं डाल देता हूँ मैं आपका, आप लोग चेक कर सकते हो ये। तो चलते हैं सेकेंड चीज़ के ऊपर। तो यस, जो तीसरी चीज़ है मुझे आपको ओपन करके बताने की ज़रूरत नहीं, ये रहा वो सामने है, ये हज़ार्ड सिस्टम विद 4 LED बल्ब और उसका एक स्विच है। तो कल जब मैं बाइक में फिट करूँगा आप सामने से, मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन उसका दिखा दूंगा। तो डायरेक्ट चलते हैं चौथी चीज़ पर, जो मैं पर्सनली आपको बोलूँगा, अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो तो एक सेफ्टी पर्पस के लिए आप ये ले सकते हो, अगर आपको लेना है तो। ये है लेग गार्ड, ये 3 किलो का रॉड है, बहुत हैवी है ये, यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हो, यहाँ से ओपन कर सकते हो आप इसे, जस्ट अ सेकेंड फोकस, परफेक्ट, यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हो। कभी आप नाइट राइड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अकेले हो या ग्रुप में कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग राइड के समय एक छोटा सा सेफ्टी पर्पस वेपन हमारे पास होना चाहिए। तो ये है, अंदर से एक सलिए की रॉड निकलती है, जो आप सेफ्टी पर्पस के लिए अपने यूज़ कर सकते हो। बंद हो जा भाई। हाँ, तो ये हो गया बंद, बस इतना ही था आज के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यस अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल पे व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कुछ आगे, अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ वीडियोस लेके आऊँ, चाहे वो कोई भी बाइक से रिलेटेड हो, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना और मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा। अगर पर्सनल मुझसे आप इंटरेक्शन करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हो। और जो भी एक्सेसरीज़ का मैंने कहाँ से लिया है, क्या है, कैसे आप परचेस कर सकते हो, मैं नीचे लिस्ट दे दूंगा, आपको इंस्टाग्राम का नाम दे दूंगा, वहाँ पे पूरी लिस्ट है उस पेज में, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही था, आई होप आप लोग सब सही हो, खुश हो और अपने घर पे सेफ हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों से प्यार करिए। यस, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना अपने भाई को, मोटरटेक संतोष, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।